नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के खिलाफ खेली गई वनडे और टी20 सीरीज में श्रीलंका के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। हालांकि टीम ने वनडे सीरीज जरूर गंवा दी, लेकिन टी20 सीरीज में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। सीरीज से पहले दोनों ही फॉर्मेट में भारत को फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन वनडे सीरीज के दौरान श्रीलंका जीत के काफी करीब आ गई थी। सीरीज खत्म होने के बाद श्रीलंकाई बोर्ड काफी खुश नजर आया था और खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम की घोषणा भी की थी। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई जिसने ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे टीम को बड़ा झटका दे दिया है। श्रीलंका के अनुभवी तेज गेंदबाज इसुरु उडाना ने अचानक से संन्यास का ऐलान कर दिया। भारत के खिलाफ सीरीज उनके लिए आखिरी इंटरनेशनल सीरीज साबित हुई। चोट की वजह से आखिरी टी20 से बाहर बैठे इस खिलाड़ी ने क्रिकेट को अलविदा कहने का अचानक से फैसला कर लिया। शनिवार को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। श्रीलंका की तरफ से 21 वनडे और 35 टी20 मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज इसुरु उडाना ने अपने 12 साल के करियर पर विराम लगाने का फैसला क्यों किया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन माना जा रहा है कि वो चोट से हाल फिलहाल के दिनों में खासे परेशान थे और इसी वजह से वो ये फैसला लेने पर मजबूर हुए। आपको बता दें, भारत के खिलाफ खेले गए तीसरे और सीरीज के निर्णायक टी20 मुकाबले से पहले भी उडाना को चोट लग गई थी। चोटिल होने की वजह से ही वो टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा आखिरी मैच में नहीं थे। हालांकि आखिरी मैच में श्रीलंका की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए भारत को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली थी और इस जीत के बाद अब उडाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें, साल 2009 में उडाना ने नॉटिंघम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मुकाबले से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। 12 साल के लंबे करियर में चोट और खराब फॉर्म की वजह से टीम से अंदर बाहर वो लगातार होते रहे और इस खिलाड़ी ने 35 टी20 मुकाबलों में 27 विकेट हासिल किए जबकि 256 रन बनाए। भारत के खिलाफ 2012 में घरेलू सीरीज में उडाना को वनडे डेब्यू करने का मौका मिला था। 21 वनडे में इस खिलाड़ी ने 18 विकेट चटकाए और 237 रन बना सकी। आपको बता दें, इसुरु उडाना अभी सिर्फ 33 साल के हैं और हाल फिलहाल के दिनों में श्रीलंकाई टीम का प्रदर्शन जिस तरीके से रहा है, उससे एक और अनुभवी खिलाड़ी का टीम से चले जाना टीम को काफी भारी पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।